तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ईटूगेट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से सबका स्वागत करते हैं। तो JNM और ANM नर्सिंग एडमिशन 2022 में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे उसका जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का लिंक वो कब से अवेलेबल होगा, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कॉमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड जो है ये एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज है 1 जून 2022, आप लोग अपना ANM और JNM जो भी है जिसमें भी फॉर्म फिलअप किए थे उसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग 2 जून 2022 से लगभग दोपहर से शुरू हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे उसका भी अपडेट आता है इसी चैनल में आपको लिंक जैसे प्रोवाइड हो जाता है ऑफिशियल वेबसाइट में, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात कर दूंगा। तो बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल एक वीडियो डाला था 31 मई 2022 को, लास्ट एक वीडियो डाला था ANM JNM नर्सिंग एडमिशन 2022 के बारे में कि आपका जो एग्जाम होगा वो दो शिफ्ट में होगा। एक तो आपका एग्जाम होगा आपका जो 11 से आपका एग्जाम होगा, 11 सुबह 11 बजे से आपका एग्जाम है, एक और दूसरा है आपका सुबह 2 बजे से। तो दोनों शिफ्टिंग में एग्जाम रखा गया है। तो आपका जो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा वो आपका लगभग 1.5 घंटा का आपका जो एग्जाम होगा वो आपका लगभग 2 शिफ्टिंग में होगा। मतलब अभी कहा नहीं देखता कि ANM का 2 शिफ्टिंग में होगा या फिर JNM का, दोनों का अलग अलग शिफ्टिंग में होगा। तो आपका आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी मालूम चलेगा आप लोगों को कि आपका शिफ्टिंग कहाँ है। फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम होगा, सेकेंड हाफ में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों का अभी वेट करना है, 2 जून 2022 से आप लोग दोपहर से अपना एडमिट कार्ड ANM JNM जो भी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में उसका लिंक आ जाएगा, तब जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे कि इस साल मैंने तो फॉर्म फिलअप नहीं किया तो मैं क्या एग्जाम में बैठ सकूंगा। दोस्त, आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद ही आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में ANM JNM का बैठ सकते हैं। 2 साल पहले तक कोई भी एग्जाम नहीं होता था, लास्ट 2 साल से जो है इसको एग्जाम कर दिया गया है जो कि कंडक्ट होता है WBJEE यानी कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा इस एग्जाम को कराया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले तक कोई एग्जाम नहीं होता था, आपका 12 का जो मार्क्स था उसके आधार पर मेरिट लिस्ट आता था, उसके आधार पर आपका एडमिशन होता था पहले। लेकिन आज का टाइम की बात करें तो अभी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा JNM हो या फिर ANM में एडमिशन के लिए। तो इसके रिलेटेड और भी आगे अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे हमारी यूट्यूब चैनल। चैनल में नए होने पर जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी ऑन करके रखिए ताकि आगे भी लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहे। और ये वीडियो देखने के बाद होम पेज में एक बार विजिट कीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो जरूर जब भी मैं वीडियो डालता हूँ अगर वो 1-2 दिन का पुराना हो जाता आप लोग वो वीडियो देखते हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेटेस्ट चैनल होम पेज में जाए और लेटेस्ट वीडियो देखे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, ताकि पुराना अपडेट आपको नहीं मिलता रहे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट भी उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसलिए जरूर एक बार चेकआउट कीजिए होम पेज में जाके कि लेटेस्ट वीडियो कौन सा मैंने रिसेंटली डाला है, अपलोड किया है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो कोई भी इंक्वायरी होने पर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो टाटा।